फिर भी इतनी बड़ी न्यूज आने के बाद भी शेयर आपको इतनी तेजी के छलांग लगाता हुआ नहीं दिखा। हर एक की किस्मत अडानी पावर जैसी नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं कि अडानी पावर का इससे क्या मतलब, चीज नहीं है कि एक ही चीज में हम टिके रहे, बदलना हमको बार बार पड़ेगा। मैंने कई बार कहा है आपको कि रंग बदलना सीखो, जब तक के रंग बदलना नहीं सीखोगे दुनिया हमें बर्बाद करती है। कहानी सुनाना चाहूंगा, और सर ये कहानी टाटा स्टील और अडानी पावर के लिए बेस्ट बैठती है, और इसको आपको समझना। सर 81.26 रुपए पे पहुंच गया है, जहां मैंने कहा था कि ये 81 रुपए तक भी पहुंच गए। और हर तरफ सर जो निवेशक है ना, इस चीज को भाप कर बिकवाली कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा स्टील की, और बात करेंगे सर सबसे ज़्यादा जो मेरे से कमेंट करते हैं सर डीबी रियल्टी में सर वीडियो बनाई है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे सर यस बैंक में गिरावट और कितनी बढ़िया न्यूज़ आने के बाद भी कि जेसी फ्लावर को इन्होंने अपने बैड लोन देने का जो वादा किया है उसके ऊपर के बाद भी शेयर नहीं भाग रहा है, तो उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे ही करेंगे सर। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि जिस तरीके से मौद्रिक नीति जो सख्त होती जा रही है, फेडरल रिजर्व अपने जो ब्याज दरें ज़्यादा बढ़ाने की उम्मीद में लग गया, उससे सर स्थिति बाजारों की बहुत ही संकट में आ गई। और हर तरफ सर जो निवेशक है ना, इस चीज़ को भाप कर बिकवाली कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और जब तक के आपको हर चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप यही कहते रहोगे सर मार्केट गिर गई, मार्केट गिर गई। प्रॉफिट को बचाइए, और प्रॉफिट जो होता है वो आपका अपना होता है, चाहे वो थोड़ा सा प्रॉफिट हो। मैं आपको हर बार ये बता चुका हूँ सर। रुपया सर 81.26 रुपए पे पहुंच गया है, जहां मैंने कहा था कि ये 81 रुपए तक भी पहुंच सकता है, जिस तरीके से बड़े बड़े जो विशेषज्ञ बोल रहे हैं। तो आज डॉलर 81.26 रुपए तक भी पहुंच गया। कितनी विकट स्थिति बाजारों में पैदा हो गई, और हर तरफ गिरावट के माहौल आपको बीते दिन देखने को मिले हैं। अब लोग कहेंगे सर ये गिरावट हो कैसे रही है। देखो सर, फेडरल रिजर्व जो अपना ब्याज दरें बढ़ा रहा है, या मौद्रिक नीति जो सख्त होती जा रही, जो RBI हमारा जो है वो बैंकों की तरफ एक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली में सख्त अपने कदम बढ़ा रहा है, तो ये चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी। लेकिन मैंने फिर भी आपको अपनी हर दो वीडियो में ये बताया है कि मार्केट कहीं गिरने वाली है, पूरा हफ्ता जो है गिरावट का रहने वाला है। कहा है या नहीं कहा है, ये चीज़ें बाद में हुई, लेकिन ये अंदेशे मैंने आपको पहले दे दिए थे। और जो मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं जो अंदेशे आगे के लिए देता हूँ वो हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं सर, एक कहानी सुनाना चाहूँगा, और सर ये कहानी टाटा स्टील और अडानी पावर के लिए बेस्ट बैठती है, और इसको आपको समझना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा सर, पुराने जो लोग कहते हैं कि एक साथ रहना चाहिए, एक परिवार एक साथ रहना चाहिए, उससे क्या होता है परिवार की मजबूती बनी रहती है। और दुनिया में लोग कहते हैं भाई कितना अच्छा परिवार है सब एक साथ रहने, तो सब एक साथ रहने का मकसद ये है कि हर परिवार एक दूसरे के सुख दुख देख सकता है। और जब परिवार बिखर जाता है ना, तो कोई किसी का सुख दुख का भागीदार नहीं बनता, सिर्फ नाम के फिर वो भागीदार हो जाते हैं। समझ रहे सर इतनी सी बात। और आपने अपने स्कूल में या अपने बड़ों से ये भी देखा हो कि एक एक लकड़ी आपसे मंगाई जाती है, आप उसे लकड़ी को तोड़ो तो आप तोड़ सकते हो, और जब इकट्ठे लकड़ी को जोड़ो फिर उसे बांधो फिर आप तोड़ नहीं सकते। तो क्या है सर, एकता में बल है। अब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा कि टाटा स्टील ने धातु और खनन की जो कंपनियां सबको एक करने का एक प्रण जो लिया है, बोर्ड ने जो इसकी मंजूरी दी है, जो विलय होने वाला है, इसकी वजह से ये टाटा स्टील मजबूत हो रहा है। देखो सर, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी मैं किसी शेयरों के बारे में व्यू देता हूं तो अचानक से उसके बाद या 10 दिन बाद कोई पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज आ जाती है, तो जो मेरी पहली बातें होती हैं फिर वो आगे जो न्यूज के द्वारा बनती है। आपको ये समझना पड़ेगा, शेयर मार्केट एक चीज नहीं है कि एक ही चीज में हम टिके रहे, बदलना हमको बार बार पड़ेगा। मैंने कई बार कहा है आपको कि रंग बदलना सीखो, जब तक के रंग बदलना नहीं सीखोगे दुनिया में बर्बाद करती रहेगी, ध्यान रखना सर। तो हुआ क्या है सर, इन्होंने अपनी 6 इकाइयों को और एक संबंधित कंपनी को एक करने का जो प्रण लिया ना, बहुत बढ़िया लिया, बेस्ट है ये। बताया ना सर आपको मैं, एक लकड़ी है तो टूट जाती है इकट्ठे होगी। तो अब इन्होंने कहा कि शेयरधारिता जो होती है उसमें तरलता लाने के लिए, अच्छा करने के लिए ये कदम उठाया गया है, और हर कंपनियों को अब टाटा स्टील की नजरों से देखा जाएगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। शुद्ध मूल्य जो भी इन कंपनियों का था सर,
1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए करीब का है जो इनमें विलय हो रहे हैं। ये भी बहुत पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। जिस तरीके से टाटा स्टील स्प्लिट हुआ है, लोगों के झोलियां इससे शेयर से भरती जा रही है। लेकिन आपको फिर भी इतनी बड़ी न्यूज आने के बाद भी शेयर आपको इतनी तेजी के छलांग लगाता हुआ नहीं दिखा। हर एक की किस्मत अडानी पावर जैसी नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं कि अडानी पावर का इससे क्या मतलब है, तो आपको सुनना पड़ेगा सर। हमने टाटा स्टील देखा, अगर आपके विचार ज़्यादा उत्पन्न होते हैं ना, अगर हमारे विचार शेयर मार्केट में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं तो हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। अब अडानी पावर से मैं इसको समझाऊंगा कैसे, आपको समझना है सर। अडानी पावर ने भी अपनी 6 इकाइयों को इकट्ठा किया था सर, ध्यान रखना। और उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उस दिन शेयर 123 रुपए करीब का था और मैंने कहा था कि एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि सारी कंपनियों को एक अडानी पावर में जो मर्ज किया जा रहा है, इसकी वजह से 8% का उछाल आ गया था अडानी पावर में। और आज देख लो सर, उस दिन के बाद से 123 से आपको शेयर कहां मिला है। लेकिन मैंने कहा ना कि हर एक की किस्मत अडानी पावर की जैसे नहीं होती। अब आपको समझ में आया ना कि जो टाटा स्टील ने काम किया ये अडानी पावर ने पहले कर चुका है, और उस टाइम अडानी पावर का शेयर 123 रुपए करीब था सर, तो ज्यादा दिन की बात नहीं हुई है। और 123 से अब 400 से ऊपर भी शेयर आ गया है। तो आपको समझना चाहिए कि जब ज्यादा काम फैल जाता है तो उसको इकट्ठा करते हैं, तो सब सारा प्रॉफिट जो भी चीजें उसके द्वारा होती है। लेकिन जो मार्केट इस तरह से गिर रही थी, उसने टाटा स्टील का इतनी पॉजिटिव न्यूज को भी नहीं संभलने दिया और ये शेयर आपको ज़्यादा उछाल करके नहीं दिखाया। मैं आपको बता दूं, अब इसके अंदर आपको पॉजिटिव संकेत देखने चाहिए अडानी पावर की स्थिति को देखकर। समझना पड़ेगा पल पल। यहाँ से अगर हमने टाटा स्टील को संभालना शुरू कराना सर, देखो सर ये 90-95 आने की उम्मीद है, मुझे अब भी उम्मीद है वहाँ पर आने की। लेकिन इस न्यूज़ ने इस उम्मीद को भी खरा तो रखा है, लेकिन किस लिए खरा रखा है कि अगर आज हम इस शेयर को खरीद लें तो 90-95 आएगा, कोई बात नहीं, एवरेज कर लेंगे, 80 आएगा तब भी एवरेज कर लेंगे। लेकिन इतनी बेस्ट न्यूज जो 6 इकाइयों एक संबंधित कंपनी आपस में जो मिल रही है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। तो यहाँ टाटा स्टील सर हर चीज को फेल कर रहा है, अब ध्यान रखना। पहले भी ये बहुत अच्छा था, पहले मैंने आपको किस तरीके से इस कंपनी को समझाया था, मैंने कहा सर स्प्लिट हुआ है, उसके बाद जब ये शेयर नीचे की तरफ मिल रहा है तो लोग इसके अंदर काफ़ी अपनी एंट्री को बढ़ा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने राखी के टाइम ही शेयर को सर सेल कर दिया था 113 रुपए करीब के में, थे मेरे पास भी ये शेयर, और उस दिन के बाद से ही शेयर आपको थोड़ा सा उछाल और नीचे की तरफ भी मिल रहा है। लेकिन हमने आपको बताया ना कि जिस शेयर के ऊपर सबकी नज़र हो जाती है वो शेयर का बढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो एक न्यूज़ विले वाली है ना, ये अडानी पावर से सीखने को मिल रही है। अब अडानी पावर की किस्मत 4-5-6 महीने में उछल गई, तो हमने इस शेयर को फिर 1 से 2 साल लेकर चलना है कि भाई ये करेगा ये कमाल। ध्यान रखना, टाटा स्टील कमाल जरूर करेगा। जिस तरीके से 6 कंपनियां इसमें आपस में मिल रही है ना, और 1000 से 1500 करोड़ रुपए का शुद्ध मूल्य है इन कंपनियों का, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ से टाटा स्टील मजबूत हो रहा है, यानी कि लकड़ियाँ जो है इकट्ठी हो रही है, तोड़ नहीं सकते है। लेकिन फिर भी अपना हिसाब किताब इसको लॉन्ग के लिए लेकर चलना पड़ेगा। इस न्यूज़ से काफ़ी लोगों ने कल इसमें खरीदारी जरूर की होगी, मुझे पता है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है सर। इसको मैंने रात भर मंथन किया और जब मैं बैठा फिर मैंने अपनी जो नोट्स है उसको खंगालना शुरू करा, फिर मुझे अडानी पावर कूद गया कि भाई अडानी पावर के साथ भी ऐसा हुआ था। तो ये सर एनालाइज इस तरीके की आपको करनी पड़ेगी सर। बात करते हैं सर डीबी रियल्टी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राकेश झुनझुनवाला जी का भी ये एक पसंदीदा शेयर था, और आपको ये सोचकर चलना पड़ेगा ये एसएम फर्स्ट स्टेज में भी आ चुका है, तो हमें ये दर्शा रहा है कि जिस तरीके से अडानी जी की एक न्यूज निकल कर आ रही थी, तो उसके बाद से ये शेयर आपको ज्यादा रिटर्न देने के वाला शेयर बन गया था। मैंने आपको 1000 बार समझाया कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति किसी कंपनी में अपना स्टेक लेता है या कंपनी को खरीदता है, तो वो तेजी हमें अपने प्रॉफिट में देखनी चाहिए सर, वो कुछ भी हो जाए आगे जाकर। ध्यान रखना, आज सबक को सीख लो कि अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, किसी भी कंपनी को जब लेते हैं उसकी न्यूज आती है तो वो तेजी दिखाएगा, लेकिन वहीं पर ऑपरेटर जागते हैं, वो आपके दिलों में ऐसी भावना उत्पन्न कर देंगे कि बस यही शेयर सबसे अच्छा है, क्योंकि ये अडानी जी के साथ मिल गया और अडानी जी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर आदमी है। साइकोलॉजी जो होती है ये कहती है कि जो अच्छे के अच्छे साथ मिलता है
वो अच्छे रिटर्न हमें देगा। ये साइकोलॉजी होती है, लेकिन शेयर मार्केट में ये साइकोलॉजी बिल्कुल उलट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर कूद जाते हैं जो आपकी साइकोलॉजी को पलट देंगे। तो पलटने वाली साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, इस शेयर से आपको दूर रहना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जिस शेयर में लगातार अपर सर्किट लगते हैं ना, वो एक समय के बाद आपको फंसाने वाला बन जाता है, और ये शेयर वैसा ही है। भले ये दो चार दिन बाद आपको खोल देगा, लेकिन फिर आपको मैंने कहा है ना कि जब भी हम तेजी वाली ट्रेन में बैठते हैं तो उस ट्रेन से तेजी में उतरना लाजमी है। सब लोग मुझे कहते हैं सर डीबी रियल्टी में वीडियो बनाओ, इसका मकसद अडानी से जुड़ा है, इसके अलावा क्या इसके अंदर वीडियो बन जाएगी। अडानी के नाम से ये भाग रहा है, और जब अडानी के नाम से ये भाग रहा है तो आपसे पहले ऑपरेटर आपके से लेने की तैयार हो गए होंगे इसको। हम तो बाद में देख रहे हैं इसको, ऑपरेटर ने पहले ही खरीद लिया होगा इस शेयर को। तो इस शेयर में फिलहाल की संभावना कुछ नहीं है। पैसा जिसके पास ज़्यादा होता है ना, वो नॉर्मल कंपनी उससे बनेगा, ध्यान रखना। ये मैं आपको फिर एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत अच्छी। अगर आप सोचते हो कि पैसा लगाकर पैसा आ जाए, फिर पैसा नहीं बनेगा। अगर आप सोचते हो कि नॉर्मल कंपनी में पैसा लगाऊं, जो अपनी चाल धीमी चल रहा है, धीमे उतर रहा है, धीमे चल रहा है, धीमे उतर रहा है, वहां पैसा बनता है, क्योंकि वो शेयर आपको कभी भी फंसाएगा नहीं। लेकिन जो इस तरीके के शेयर होते हैं जो नाम पर चलते हैं फिर नाम पर ही उतर जाते हैं, तो इस शेयर से आपको मैं कह रहा है बहुत ही दूर रहना पड़ेगा। और ऐसी संभावना कुछ भी ऐसी नहीं है जो ये शेयर आपको मालामाल कर देगा, करोड़पति कर देगा। क्या हमारे लिए हमें करोड़पति करेगा ये शेयर? औरों को कर देगा सबसे पहले, तो हमें तो बाद में करेगा, और हमें जब करेगा जब हमारे लोअर सर्किट लग जाएगा, हम उसके अंदर फंस जाएंगे। तो अपने लालच को कंट्रोल कीजिए सर, और ऐसे शेयरों में कदम रखिए जो किसी के नाम से ना चल रहा हो, काम से चल रहा हो। एक बात और बता दूं मैं सर आपको, किसी भी नाम वाले शेयर के पीछे मत पड़ो, काम वाले शेयर के पीछे पड़ जाओ। कल को मैं करोड़पति बन जाऊं और मैं किसी पे हाथ लगा दूं, मैं तो अपना प्रॉफिट देखूंगा उससे पहले, समझ रहे सर? अगर मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूं तो मैं किसी छोटे चीज में हाथ लगा रहा हूं तो मैं उसका नहीं भला कर रहा हूं, मैं भला अपना कर रहा हूं, और जहां मुझे अपना भला आएगा मैं वहां पर साफ हो जाऊंगा निकल के। तो ये साइकोलॉजी आपको बनानी चाहिए। फ्यूचर ग्रुप से हुआ क्या, ये सीख लीजिए सर, फ्यूचर ग्रुप में भी यही हुआ। यहाँ पर अंबानी जी ने इसमें हाथ रखा, लोगों ने इसे खरीदा, लेकिन अंबानी जी ने अपने स्टोर कर लिए कब्जे में 947। उसमें क्या हुआ, वहाँ पर तो नाम था ना, बड़े अमीर तो थे उस टाइम वो था, लेकिन वहाँ पर लोग समझ गए कि जिस तरीके से वो बढ़ रहा था तभी हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। तो यही एक हालात ऐसे हो जाते हैं कि आगे जाके पता नहीं लगता कि सिंटैक्स वाले हाल हो जाएंगे कि भाई ये शेयर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो आगे की प्रणाली हो जाती है। तो इस प्रणाली को मैंने आज आपको अच्छी तरह समझाते, नाम वाले शेयर पे नहीं भागना है, काम वाले शेयर पर आपको भागना पड़ेगा। कब तक के आप सर उलझते रहोगे, इस उलझन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बात करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक की बात इसलिए भी करनी आज लाजमी हो जाती है जिस तरीके से यस बैंक ने फ्राइडे के दिन आपको गिरावट देखने के दिन दिखा दिए हैं। जिस तरीके से 48,000 करोड़ रुपए वाली न्यूज जो आई थी, जेसी फ्लावर को बैड लोन जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उस चीज में ठंडक आ गई है। वो ठंडक आई है सर एक न्यूज और निकल कर जो आ रही है, जिसमें पुनर्निर्माण योजना जो थी सर, उसके अंदर से अभी एग्जिट नहीं कर रहा है यस बैंक, और उसने कह दिया कि जब तक के आरबीआई कुछ हमें दिशा निर्देश नहीं देगा तब तक के हम इसमें से एग्जिट नहीं कर रहे हैं। आपको पता ही रहना चाहिए कि जब यस बैंक बर्बाद हो रहा था तब उसको संभालने के लिए एक योजना बनाई गई थी, तो उस योजना से निकलने के प्रयास यस बैंक ने करने की गुहार आरबीआई से लगा भी रखी थी, और उसके अंदर अब ये कह रहा है कि आरबीआई जब तक नहीं कहेगा तब तक ये इस योजना से बाहर नहीं निकलेगा। आपको ये पता रहना चाहिए जिस तरीके से 13 मार्च 2023 को 3 साल का लौकिक पीरियड जो है यस बैंक का जो समाप्त हो रहा है, उसके अंदर ही उसने कहा है कि उसके बाद ही ये एग्जिट करने का अपना मन बनाएगा, यानी कि अब हमारे लिए मार्च तक का समय यस बैंक ने अपने द्वारा ही दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अब एक जो न्यूज है ना 48,000 करोड़ रुपए वाली, वो ठंडी हो गई है, लेकिन वो एक आपको उछाल जरूर करके दिखाएगी, उस उछाल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरीके से बैंक फिलहाल संकटों में घूम रहा है, आरबीआई ने दखलंदाजी करनी शुरू कर दी है बैंकिंग प्रणाली में, और मुद्रिक जो नीति सख्त हो रही है जिसकी वजह से बैंकों में स्थिति खराब होती जा रही है, और डॉलर जो आपका इतने ऊपर पहुंच गया जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो कहीं ना कहीं बैंकों के शेयरों में थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसका ही इसने भी एक अंश झेल लिया है, वो झेल लिया है सर। लेकिन जो एक इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है पुनर्निर्माण योजना, वो अब
13 मार्च 2023 के बाद ही होने की एक उम्मीद है और RBI के कहने के बाद ही वो चीज़ होगी, ये येस बैंक ने एक हमें बता दिया है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि SBI का भी येस बैंक में स्टेक है, और जिस दिन SBI इसके अंदर से सर बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं हमें एक सोचने वाली बात बन जाती है, फिर येस बैंक के शेयर थोड़ी सी गिरावट भी करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तो ये ऊपर की तरफ आपको बढ़कर दिखाएगा। और दिन पहले ही बताया था सर, जिस टीवी से थोड़ा सा वो न्यूज़ नहीं है, जिस न्यूज़ के हिसाब से भाग रहा है, काम के हिसाब से नहीं भाग रहा है, वो नाम के हिसाब से भाग रहा है। तो हमने जहां जहां हर चीजों को एक तलाश की है, वो तलाश और वहां तक के हमारी पूर्ण हो जाती है जब एक न्यूज के द्वारा वीडियो बन जाती है, फिर उस न्यूज अलग से निकल कर आती है, तो उस हिसाब से फिर साइकोलॉजी बनाई जाती है, डेवलप की जाती है। तो यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको एक अलग न्यूज़ देखने को मिलेगी, और जो शेयर आपके पास है वो अलग तरीके से आपको न्यूज़ के बेस पर उछाल कर या नीचे गिरता हुआ दिखाई ज़रूर देगा, ये आपको समझकर चलना है। तो यस बैंक ने हमें अब दूर की कहानी दिखा दी है, यानी कि इसने अब हमें लॉन्ग टर्म के लिए फिर से विषय जगा दिया है, जिसमें ये 13 मार्च 2023 के बाद ही इस योजना से बाहर निकलने की अपनी एक प्रक्रिया बनाएगा। तो कहीं ना कहीं अब हमें यस बैंक थोड़े से होल्ड करने बनते हैं। सर मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, और लॉन्ग टर्म के लिए विषय यह बनता गया है, जो 48,000 वाली जैसी फ्लावर वाली जो न्यूज़ ठंडी होती हुई नज़र ये आ रही है, और रुखी बाजार का सर गिरावट की तरफ है, तो यस बैंक को थोड़ा सा भी हमें संयम के हिसाब से ही लेना पड़ेगा ही पड़ेगा सर, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो यस बैंक मेरे हिसाब से सर बेस्ट है, लेकिन इसके अंदर हमें समय देना पड़ेगा, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा सर। तो टाटा स्टील ने जिस तरीके से अडानी पावर वाले काम कर दिए हैं, 6 इकाइयों को और एक संबंधित कंपनी को आपस में मर्ज करने की एक प्रणाली उन्होंने बनाई है, तो बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज है, यानी कि उन्होंने एक बल बना लिया और उस बल पे वो आगे बढ़ने के लिए अक्रमण रूप से तैयार होंगे, और आपको जल्दी ही टाटा स्टील में भी उजाले देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। DB रियल्टी में सिर्फ नाम की वजह से शेयर भाग रहा है, काम की वजह से नहीं भाग रहा है, और जिस दिन शेयर ने काम की वजह से भागना शुरू कराना, वहाँ आपके हर चीज़ बदल जाएगी। तो ध्यान रखना सर, नाम के पीछे मत भागिए, काम के पीछे भागिए, नाम तो ऑटोमेटिकली खुद हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। और यस बैंक में अपना व्यू अब थोड़ा से लंबे समय के लिए बना लीजिए, क्योंकि एक न्यूज़ ने एक न्यूज़ को ठंडा कर दिया है, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और जल्दी से अमीर बनने की ख्वाहिश शेयर मार्केट में हमें त्यागनी पड़ेगी, और नाम वाले शेयर जो तेज़ी की तरफ भाग रहे हैं उसके अंदर अपना अगर एंट्री भी कर ली तो अपने प्रॉफिट में ही अपने प्रॉफिट को देखना पड़ेगा, और जब हम अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट के तौर पे देखते हैं तो वो प्रॉफिट हमारी मनी को बढ़ाता है ना कि घटाता है। तो इतनी सी बात ही आपको समझकर शेयर मार्केट में काम करना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।